दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो राजस्थान की कड़ी फेमस है वो दादी किस तरीके से बनाती है, यानी पुराने समय में उस कड़ी को कैसे बनाया जाता था और बहुत ही दोस्तों टेस्टी बनती है, आप अपनी अंगुली खा जाएंगे ऐसा इतना शानदार कड़ी बनता है। तो आज हम उसका पूरा जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सामग्री काम में लेना है पहले हम इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सामग्री के रूप में हम बात करें तो यहाँ पर हमने अपना छांस लिया है और इसी के साथ छांस में हमने आटा डाला है। अभी गेहूं का आटा डाला है या बाजरे का? बाजरे का। तो बाजरे का आटा डाला है दोस्तों, जो असली रेसिपी है उसमें हम बाजरे का आटा डालते हैं। और यहाँ पे प्याज लिए हैं और ये हमारा जीरा है और यहाँ पे मिर्च, हल्दी और धनिया इसमें एक साथ मिक्स कर देंगे। ओके, अपने टेस्ट के अनुसार हम इन सब की क्वांटिटी लेंगे और आटा इसमें दोस्तों थोड़ा ही आटा डाला जाता है, ज़्यादा आटा हम इसमें नहीं डालते, ये ध्यान रखें। और दोस्तों यहाँ पे हम जो तड़के के रूप में काम में ले रहे हैं वो हम यहाँ पे देसी घी काम में ले रहे हैं। ओके, तो काफ़ी सारा देसी घी डाल दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। देसी घी यदि यूज़ नहीं करेंगे तो इतना टेस्टी नहीं बनेगा। ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे तड़के के रूप में देसी घी को यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे जैसे ही घी पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा, जिसको तड़का आना कहता है, तड़का आ जाएगा तो हम यहाँ पे अपना तो यहाँ पे तड़का गर्म होने के लिए दोस्तों थोड़ा टाइम लेता है। तड़का आ गया कौन? हाँ तो तड़का आ गया, तो नाक स्टार्ट करना। अब इसमें दोस्तों हमने जीरा डाल दिया और मिर्च डाल दिया। जीरा और मिर्च को अब हम पकाएंगे, पकने देंगे थोड़ा इनको।
तो दोस्तों यहाँ पे मसाले को पकने दिया जाता है 4 से 5 मिनट के लिए, और यहाँ पर हमने अपना छांस और आटा अच्छे से मिक्स कर रखा है। ओके, बारी बंद कर दो। बंद कर दो। हेलो है अब इसमें प्याज ऐड करेंगे हम। अपने स्वाद के अनुसार दोस्तों प्याज की यहाँ पे क्वांटिटी डाली जाती है। अब है जो हम इसमें जो हमने मिक्स कर रखा है सांस और बाजरी के आटे को, उस घोल को अब इसमें डाल देंगे। आकड़ी तैयार होगी, हमें इन गर्म करनी है, बस इतनी लास्ट है, इन गर्म करनी इतनी है। अब दोस्तों इसको गर्म करना है, और गर्म करीबन 5 मिनट के लिए इसको हम अभी गर्म करेंगे, ठीक है। और ये ईंधन पर भी डिपेंड करता है कि ईंधन कितना डाल रखा है। जब ये ऐसे गर्म हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा, ऐसे इसके अंदर ऊपर सतह पर धाराएँ बनने लग जाएगी, ऐसे ऊपर उठने लग जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि हमारा गर्म हो गया कड़ी। और कड़ी पूरी तरीके से राजस्थानी देसी कड़ी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मिक्स हो जी, आटो जिसमें जो हमने आटा डाला वो और छांछ हमारी मिक्स हो जाएगी, तो उस समय जो हमारा कड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।